और जब इब्राहिम ने दुआ की कि हे परवरदिगार, इस जगह को अमन का शहर बना और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह पर और रोजे आखिर पर ईमान लाए उनके खाने को मेवे अता फरमा, तो अल्लाह ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी कुछ मुद्दत तक सामान्य जिंदगी दूंगा, मगर फिर उसको अजाब दोजख के भुगतने के लिए मजबूर कर दूंगा और वो बुरी जगह है। और जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला है जानने वाला है। ऐ परवरदिगार, हमको अपना फर्मा बरदार बनाए रखियो और हमारी औलाद में से भी एक गिरोह को अपना हुक्म बरदार बनाइयो, और परवरदिगार हमें हमारे तरीके इबादत बता और हमारे हाल पर रहम के साथ तवज्जो फरमा, बेशक तू ही तवज्जो फरमाने वाला है मेहरबान है। ऐ परवरदिगार, इन लोगों में इन्हीं में से एक पैगंबर मबूस की जो इनको तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करे और किताब और दानाई सिखाया करे और इनके दिलों को पाक साफ किया करे, बेशक तू गालिब है साहिब हिकमत है। और इब्राहिम के दीन से कौन रूगर्दानी कर सकता है बजुज उसके जो निहायत नादान हो, और हमने उनको दुनिया में भी मुंतखब किया था और आखिरत में भी वो नेक लोगों में होंगे। जब उनसे उनके परवरदिगार ने फरमाया कि मेरे फरमाबरदार हो जाओ, तो उन्होंने अर्ज की कि मैं रब्बुल आलमीन का फरमाबरदार हो गया। और इब्राहिम ने अपने बेटों को इसी बात की वसीयत की और याकूब ने भी अपने फर्जंदों से यही कहा कि ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद फरमाया है, तो मरना तो मुसलमान ही मरना। जिस वक्त याकूब वफात पाने लगे तो क्या तुम उस वक्त मौजूद थे? जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने कहा कि आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे, जो माबूद यकता है और हम उसी के हुक्म बरदार हैं। ये जमात गुजर चुकी, इनको इनके अमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे अमाल का, और जो अमल वो करते थे उनकी पुरसिश तुमसे नहीं होगी। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदी या ईसाई हो जाओ तो सीधे रास्ते लग जाओगे। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो नहीं, बल्कि हम दीन इब्राहिम इख्तियार किए हुए हैं जो एक अल्लाह के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। मुसलमानों, कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर उतरी उस पर, और जो सहीफ इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल हुए उन पर, और जो किताबें मूसा और ईसा को अता हुई उन पर, और जो दूसरे पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से मिली उन पर, सब पर ईमान लाए। हम उन पैगंबरों में से किसी में कुछ फर्क नहीं करते और हम उसी माबूद वाहिद के फरमा बरदार हैं। फिर अगर ये लोग भी उसी तरह ईमान ले आए जिस तरह तुम ईमान ले आए हो तो हिदायत याब हो जाए, और अगर मुंह फेर लें और न माने तो वो तुम्हारे मुखालिफ हैं, और उनके मुकाबले में तुम्हें अल्लाह काफी है और वो सुनने वाला है जानने वाला है। कह दो कि हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया है और अल्लाह से बेहतर रंग किसका हो सकता है, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। उनसे कहो, क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो? हालांकि वही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है, और हमको हमारे अमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे अमाल का, और हम खास उसी की इबादत करने वाले हैं। ऐ यहूद नसारा, क्या तुम इस बात के कायल हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद यहूदी या ईसाई थे? ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि भला तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की शहादत को जो उसके पास किताब में मौजूद है छुपाए? और जो कुछ तुम लोग कर रहे हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं। ये अंबिया की जमात गुजर चुकी, इनको वो मिलेगा जो इन्होंने किया और तुमको वो जो तुमने किया, और जो अमल वो करते थे उनकी पुरसिश तुमसे नहीं हो। अहमक लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस किबले पर पहले से चले आते थे अब उससे क्यों मुंह फेर बैठे? तुम कह दो कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, वो जिसको चाहता है सीधे रस्ते पर चलाता है, और इसी तरह हमने तुमको उम्मत मोतदिल बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और पैगंबर आखिर उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह बने,
اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گرا معلوم ہوئی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گرا نہیں سمجھتے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی ضائع کر دے، اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان ہے صاحب رحمت۔